कीजिए मेरे टाइम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जो मेरे नॉन वेजिटेरियन व्यूवर्स हैं उनके लिए आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। बटर चिकन आपने ढाबे पर कई बार खाया होगा, वैसे ही मज़ेदार बटर चिकन अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लिया है, जिसे मैं फोक से इस पर थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिल जाए। सारे पीसेस में ऐसे ही आप फोक से प्रेस कर लीजिए। और अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही आपको पानी निकला हुआ गाढ़ा दही चाहिए। 2 चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है यहाँ पर। अब मैं हल्दी डालूँगी और लाल मिर्ची, मीट मसाला मैंने इसमें डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें रेड फूड कलर मिलाएँगे। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा हाथ से मिक्स। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। इसे हम अब 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले ली है। अब मैं एक कढ़ाई में तेल गरम कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी और साथ में प्याज और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। प्याज के साथ साथ ही अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, दालचीनी, मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग। अब हम इसको मिलाएंगे। प्याज को हमें रफली चॉप भी करना है क्योंकि बाद में हमें इसकी प्यूरी बनानी है। अब हम थोड़े से काजू ऐड करेंगे, टमाटर भी ऐड साथ में कर देंगे। अब टमाटर को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से स्टीम देकर पकाएंगे। बीच बीच में आप हिलाकर देख सकते हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है, ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब खड़े मसाले जो भी हमने डाले हैं वो हमें एक साइड में निकाल देंगे। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो इसका बहुत तीखा फ्लेवर आएगा। अब मैं मिक्सी के जार में इसको डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, एक पतली प्यूरी बनाएंगे इसकी। अब हम इसको छान लेंगे, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब साथ में ही आप एक कढ़ाई में बटर डालेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है बटर चिकन के लिए। साथ में अब मैं इसकी प्यूरी डाल रही हूँ जो हमने अभी ग्राइंड करी है। नमक डालेंगे प्यूरी में, लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च और रेड फूड कलर। इसको डालकर आप अच्छे से हिलाएं। ग्रेवी बनकर रेडी है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसको अच्छे से ऑयल लगाएंगे। आप इसमें देसी घी भी लगा सकते हो। अब हमने जो ये चिकन मैरिनेट करके रखा था, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको आप ढक देना और इसको हम लो से मीडियम फ्लेम तक ही पकाएंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ही जल्दी पकने लगता है। आप बीच बीच में इसकी साइड चेंज करिए। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये पक चुका है। बाकी का भी हम ठीक इसी तरह पका लेंगे।
अब मैंने ये जो शैलो फ्राई करा है चिकन, अब मैं इसे ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। ये ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें एक चम्मच क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा गरम करके ग्रेवी में अलग से कटोरी में इस तरह से डालेंगे और उसमें बटर डालकर अच्छे से ढकेंगे। 3-4 मिनट ढकने के बाद अब इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। अब हम कटोरी को निकाल लेंगे। हमारा बटर चिकन बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें गार्निश के लिए इस तरह से क्रीम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया और एक्स्ट्रा बटर भी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।